कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को जारी मतगणना के शुरुआती रुझानों में सत्तारूढ़ भाजपा पिछड़ती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस निर्णायक बढ़त की ओर जाती दिख रही है। ताजा रुझानों के मुताबिक कांग्रेस बढ़त बनाए हुए थी, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा पीछे चल रही थी। इस आंकड़े के मुताबिक राज्य में कांग्रेस सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है, हालांकि इसे फाइनल आंकड़ा नहीं कहा जा सकता है। इसमें किसी भी क्षण फेरबदल संभव है। यदि यही परिणाम आखिरी तक रहते हैं तो भाजपा के लिए दक्षिण का द्वार बंद हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण राज्यों में कर्नाटक ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां फिलहाल भाजपा की सरकार है। दक्षिण के अन्य राज्यों में भाजपा की स्थिति काफी कमजोर है, हालांकि दोनों ही दलों के नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा किया था। उल्लेखनीय है कि 10 मई को मतदान के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस की स्थिति को मजबूत बताई गई है। कुछ एक एग्जिट पोल में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत भी दर्शाया गया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार 73.19% मतदान दर्ज किया गया, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चिल्ला बलारपुरा जिले में सबसे अधिक 85.56% मतदान हुआ। इसके बाद बेंगलुरु ग्रामीण में 85.08%, रामनगर जिले में 85.04%, मांड्या जिले में 84.45% और तुकमुरु जिले में 83.58% मतदान हुआ, जबकि राज्य में सबसे कम 52.33% मतदान बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके दक्षिण सीमा में दर्ज किया गया।